नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जयपुर के गलताजी लेकर आ चुके हैं, जहां से कांवड़ यात्राएं प्रारंभ होती है। ये कांवड़ यात्राएं सावन के महीने में ही निकाली जाती हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गलता गेट। गलता जी जयपुर का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। गलता जी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कई प्रकार के मंदिर भी हैं, जैसे हनुमान मंदिर, राम मंदिर, सीताराम मंदिर, कृष्ण मंदिर आदि मंदिर यहाँ पर यहाँ बने हुए हैं। गलता जी को मंकी हिल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, जयकारों के साथ यह कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही। यहाँ पर 7 कुंड हैं और 7 कुंड हमेशा जल से भरे हुए रहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक गौमुख है जहाँ से लगातार जल बहता रहता है। तो आप देख सकते हैं कांवड़ यात्री जो कि काफ़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जयपुर की कांवड़ यात्रा यहीं से ही आरंभ होती है। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कांवड़ यात्रियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी दिखाएंगे आपको। कांवड़ यात्री यहाँ पे पहले आके गलता जी में नहाते हैं और नहाने के बाद में कांवड़ को पवित्र जल से भरते हैं और उसके बाद में उस कांवड़ियों की पूजा करते हैं और उसके बाद ही गलता जी से यह कांवड़ यात्राएं अपने अपने स्थान पर ले जाकर समापन करते हैं।
आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्री किस प्रकार कांवड़ यात्रा लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। साथ ही कलश यात्रा भी निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा को बड़े ही धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ गलता जी से अपने अपने स्थानों तक के लिए निकाली जाती है, और साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी सजाते हैं और झांकियाँ भी निकालते हैं। कांवड़ यात्री पवित्र स्थानों से पवित्र जल लेकर निकलते हैं और अपने अपने निवास स्थान के आसपास में जितने भी मंदिर होते हैं वहां पर स्थित शिव जी के मंदिर में जाते हैं और वहां पर उनका जलाभिषेक। जब कांवड़ यात्री अपने अपने स्थान पर जाते हैं तो वहां के आसपास के लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं और उनको गाजे बाजे के साथ मंदिर तक लेकर आते हैं। इस प्रकार यह यात्रा समापन होती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।